एशिया का सबसे बड़ा एरो शो भारत में शुरू हो चुका है। बेंगलुरु में शुरू हुए इस एरो शो में 98 देश और 800 से ज्यादा कंपनियां हिस्सा ले रही हैं। 14वें एरो इंडिया शो का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। इस एरो शो के माध्यम से भारत दुनिया को अपने स्वदेशी लड़ाकू विमानों की झलक दिखाएगा। इसके अलावा भारत कई हथियारों और तकनीकों का भी प्रदर्शन करेगा। इस एरो शो में रूस, अमेरिका, स्वीडन, फ्रांस और इजराइल जैसे देशों की बड़ी भागीदारी होगी। भारत ने एरो शो में स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस का प्रदर्शन किया। ये वही लड़ाकू विमान है जिसे दुनिया के कई देश अब खरीदना चाहते हैं। तेजस के अलावा भारत ने स्वदेशी लड़ाकू हेलीकॉप्टर प्रचंड का भी प्रदर्शन किया। लेकिन इस एरो शो में सबका ध्यान HLFT-42 ने खींचा। HLFT-42 एक नेक्स्ट जेनरेशन सुपरसोनिक ट्रेनर विमान है। एरो शो में पहली बार HLFT-42 के मॉडल को दुनिया के सामने पेश किया गया। पूरा देश तब हैरान हो गया जब HLFT-42 की टेल पर भगवान हनुमान की फोटो दिखी। हनुमान जी की फोटो के साथ एक मैसेज भी लिखा था। मैसेज था, द स्टॉर्म इज कमिंग, यानी तूफान आ रहा है। आपको बता दें कि HLFT-42 मॉडर्न कॉम्बैट ट्रेनिंग यानी आधुनिक लड़ाकू विमान प्रशिक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इस जबरदस्त एयरक्राफ्ट के मॉडल पर भगवान हनुमान को देखकर पूरा देश खुश हो गया। सोशल मीडिया पर लोग इस एयरक्राफ्ट की फोटो शेयर कर रहे हैं। फोटो में एयरक्राफ्ट पर बनी बजरंगबली की तस्वीर सबको हैरान कर रही है। सोशल मीडिया पर एक यूजर ने तो पीएम मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को धन्यवाद करते हुए लिखा कि रामदूत अतुलित बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुतनामा, द स्टॉर्म इज कमिंग।